माननीय स्वामी जी, सब अध्यक्ष जन, आदरणीय सबके सब, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा बात आपके सामने करना चाहता हूँ, जिसका आधार हमारी संस्कृति के अंदर बहुत डीपली पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं कहाँ पर हमारे बिजनेसेस के मोड में हम उस सब को भूल गए। एक बहुत सुंदर सा श्लोक था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भागवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिस कार्य में सबका भला होता है, इस संसार में, इस पूरे की पूरी सृष्टि में अगर एक मनुष्य या प्रकृति का कोई कण भी दुखी है तो आपका सुख इनकम्प्लीट है। अगर इस पूरे संसार में एक भी मनुष्य दुखी है तो आपका सुख इनकम्प्लीट है। बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, आपका कोई भी काम हो, अगर उसके करने का कारण मात्र स्वार्थ है, यानी कि मेरा ही भला हो, तो वो कर्म वैसे भी अशुद्ध ही है। कर्म करने के पीछे का आधार, कर्म करने के पीछे का आधार कर्म की शुद्धता डिफाइन करता है, ना कि कर्म। आप क्या करते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप वो क्यों करते हो उसी से उसकी शुद्धि डिफाइन होती है। आज यदि हम इस संसार में खड़े हैं, आज यहां पर इस मंच पे खड़े हैं, इसका मतलब आपकी आंतरिक और आसपास की भौतिक परिस्थिति आपके अनुकूल है। अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी तो ना तो आप वहां बैठ पाओगे, ना मैं यहां खड़ा हो पाऊंगा। हमारे हर एक मंत्र के एंड पे तीन शांतियों की बात होती थी, ओम शांति ही, शांति ही, शांति। कौन सी थी तीन शांति? तीन शांति क्यों बोलते थे हमेशा? पहली शांति आदि दैविक शांति, आदि दैविक शांति अर्थात पंच महाभूत, इन पांचों की शांति। दूसरी शांति आदि भौतिक शांति, आपकी खुद के शरीर की शांति। आपका शरीर भी इन्हीं पांच महाभूतों से बना हुआ है, जिससे संसार बना हुआ है वैसे ही आपका शरीर भी उन्हीं पांच महाभूतों से बना हुआ है, उसकी शांति। और तीसरी शांति आदि आध्यात्मिक शांति, यानी जब तक अंदर से आध्यात्म जन्म नहीं लेगा तब तक आप कुछ भी कर लो, चाहे आप खेती करो, चाहे आप लेबर बनो, चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो, सब कुछ बेकार। इस संसार को अगर हमें आगे लेकर जाना है, हमें ग्रोथ की बात करनी है, तो अकेले एक इंसान की ग्रोथ से कुछ नहीं हो सकता, सबको कलेक्टिव ग्रोथ की ही बात करनी पड़ेगी। सत्य इस दुनिया का सिर्फ एक ही है, आप अकेले इनकम्प्लीट हो, अकेले इनकम्प्लीट हो। कोई बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता जब तक वो बिजनेस धार्मिक ना बन जाए। इस संसार में धर्म को बहुत अलग व्याख्या दे दी है, धर्म का अर्थ सिर्फ एक ही है, हर वो कर्म जो सबके भले के लिए होता है वो धर्म बन जाता है, हर वो कर्म जिसमें
आप उस कर्म के पीछे की व्याख्या को, उस कर्म के पीछे के अर्थ को सबके भले के लिए समर्पित करते हो, वही कर्म योग बन जाता है। जो कर्म सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए किया जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा दिखता हो, वो पाप बन जाता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 38 में बड़ा सुंदर तरीके से कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो यतो युद्धाव युद्धस्व नैवं पापम वाप्यसि। जिस समय आप ऐसा कर्म करो जिससे सृष्टि का उद्धार हो, उस कर्म में सुख और दुख समान अवस्था हो जाती है, उस कर्म में जय पराजय समान अवस्था हो जाती है, उस कर्म में लाभ और हानि समान अवस्था हो जाती है। और ऐसा कर्म अगर युद्ध भी हो तो पुण्य है। इसके अलावा आपने कुछ भी किया हो, अगर वो आपका कर्म करने का कारण सिर्फ स्वयं का लाभ है, तो वो कर्म वैसे भी अशुद्ध है। पंच महाभूत, पांच तत्व, इससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, आप कोई भी सर्विस करो, आप खाने की वस्तु बनाओ, इंडस्ट्री की वस्तु बनाओ, या कुछ भी बनाओ, उसमें इन पांच तत्वों का काम होने ही वाला, इन पांच तत्वों के बगैर होगा नहीं। अब इन पांच तत्वों को यूज करते समय अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट का सोचा, जो कि मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट सोचते हैं, सिर्फ प्रॉफिट का सोचा, तो आपने वैसे ही इसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ऑलरेडी ट्रिपल बॉटम लाइन की बात होनी शुरू हो गई है। अब ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने बहुत खेल लिया प्रकृति के साथ, हमने बहुत खेल लिया प्रकृति के साथ। जब तक हमारे प्रोडक्ट के क्रिएशन में, हमारी सर्विस की डिलीवरी में इन तीन बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, पहला प्रॉफिट ऑफ कोर्स, दूसरा प्लैनेट, प्लैनेट मतलब ये पंच महाभूत, सबके पांचों के पांचों तत्वों का बैलेंस, और तीसरा लोग, किसी को दुख देकर आप जो भी धन कमाओगे वो धन अशुद्ध ही है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके साथ करता हूं। आपने किसी को दुख दिया, आपकी वैल्यू चेन में कहां दुख हुआ आपको पता नहीं है, लेकिन आपने दुख दिया, आपने डायरेक्टली नहीं दिया, किसी के थ्रू दिया, किसी और ने दिया, लेकिन आपकी वैल्यू चेन में पार्ट है, आपने उसको दुख दिया, वो दुख, आपने जो भी उसमें पैसा कमाया, वो उस पैसे के अंदर उसकी ऊर्जा चली गई, उसकी एनर्जी चली गई। अब एक उद्योगपति, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, वो पैसे से सैलरी देगा, वो अशुद्ध सैलरी, अशुद्ध धन आपने अपने एम्प्लॉय के घर भेज दिया, वो एम्प्लॉय उस अशुद्ध धन से खाना खरीदेगा, वो खाना भी अशुद्ध हो गया। अब वही खाना वो अपने बच्चों को खिलाएगा, बच्चों का जीवन अशुद्ध हो गया। हम किस समाज को जन्म दे रहे हैं, हम किस समाज को जन्म दे रहे हैं? हम अशुद्ध समाज को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि आज का राजा एंटरप्रेन्योर है, आज का राजा इंडस्ट्रियलिस्ट है। और अगर इंडस्ट्रियलिस्ट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री कितनी फैमिलीज को चलाती है, आपका खुद का कर्म सब तरफ चले जाता, आपने जो भी किया वो सब तरफ चले जाता, और अब प्रॉफिट आपने कमाया और उससे आपने सीएसआर किया, सीएसआर मतलब आपने डोनेशन दिया। अब सोचो वो अशुद्ध धन कितनी तरीके से इस पूरे संसार को खराब करने वाला। आपने कितना भी अच्छा प्रॉफिट कमाया हो, उस प्रॉफिट का इस संसार को नुकसान ज्यादा होगा, जितना आप सोच भी सकते हो उससे भी कई गुना ज्यादा होगा।
हमारा हमेशा एक ही पॉइंट रहता है कि ये दूसरे ठीक हो जाएं, दूसरे ठीक हो जाएं। अगर हमें अपने उद्योग को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी इंडस्ट्री को इन पांच तत्वों के साथ मिलकर, यानी कि प्लैनेट के साथ मिलकर, पृथ्वी के साथ मिलकर काम करना है, तो पहली जागृति राजा के अंदर खुद होनी पड़ेगी। क्योंकि छोटी छोटी टहनियों को काट के कुछ होगा नहीं, ये पूरा वृक्ष ही उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब तक धार्मिक बिजनेसेस का जन्म नहीं होगा, इस संसार में धर्म का जन्म हो ही नहीं सकता। अगर मुझे इस संसार को धार्मिक बनाना है तो पहले बिजनेसेस को धार्मिक बनाना पड़ेगा। और जब आप स्वयं धार्मिक बनोगे एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस, तभी आप इस संसार को धर्म का रास्ता दिखा सकते हैं। और कोई तरीका नहीं। हम दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब तक अंदर से जागृति नहीं आएगी तब तक वो ब्लेम आपकी तरफ ही आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। एक बड़ा छोटा सा ब्यूटीफुल सा गालिब का शेर था, ए गालिब जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। थैंक यू वेरी मच।